अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि दो बिंदु ए और बी है को जोड़ने वाला रेखा खंड ए बी, यहाँ पर कोई दो बिंदु है ए है और यहाँ पर एक बी है, वो रेखा खंड जो जोड़ने वाला जो दो बिंदु है उसका निर्देशांक दिया है -2 2, अभी क्या दिया है आपका 2 h, ये दो बिंदु है, इसको जोड़ने वाले रेखा खंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु, दो बिंदु, दो 4, थोड़ा सा और इधर थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है, 4 भागों में इसे बांट दिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक P1 बांट दिया, P2 बांट दिया, एक P3, 4 बराबर भागों में बांट दिए इसको, कितने बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में बांट दिए। मान लीजिए ये टोटल अगर 25 था, इसको बांट दिया 100 था तो इसको बांट दिए 25 25 50 25 75 25 54 100, ठीक है, बांट दिए। तो अब चलिए ए दिया है, ए का निर्देशांक दिया -2 2 और बी का भी दिया है कितना 2 8 दिया है। चलिए अब क्या करेंगे हम, ठीक इस लाइन के बीच में कौन सा बिंदु पड़ रहा है, P2 पड़ रहा है, कौन पड़ रहा है, चूंकि P2 AB का कहाँ पर है, मध्य बिंदु है। कहिएगा कैसे मध्य बिंदु समझ गया है, तो 4 भागों में बांटिएगा तो 1 2 3 4, तो ये बीच में आएगा नहीं, कितना भी ले लीजिए उसे 4 भाग में बांट कर देख लीजिए तो आएगा कि नहीं, बीच में मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, AB के लिए तो पहले छांट लेंगे, मध्य बिंदु है तो x1 बराबर यहाँ से -2, y1 बराबर 2, x2 बराबर आपका 2, y2 बराबर 8। तो P2 का निर्देशांक अगर निकालेंगे तो क्या सूत्र होता है मध्य बिंदु का, x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 मेरा -2 है +2/2, y2 + 8/2। ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो में से 2 घटेगा 0 में, 2 से भागा दे 0, 8 2 10 में 2 से भागा दीजिएगा 5। P2 का निर्देशांक आपका आ गया कितना 5, ठीक है, ये मध्य बिंदु था 0 और क्या आ गया 5 P2 का। अब ये देख रहे हैं कि ये जो मध्य में था तो अब तो ठीक इसके मध्य में तो ये दिख रहा है, अब तो दिख रहा है ना, अब P1 जो है P1 AP2 का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, अब P1 जो है AP2 का मध्य बिंदु है, ठीक है, चूंकि तो अब A का दिया है आपका 2 2 -2 2 और P2 का आ गया 0 5, यहाँ से हम छाप लेंगे x1 - 2, y1 - 2, अब क्लियर ये x2 = 0, y2 = 5, यही ना। तो बिंदु P1 का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या होता है, निर्देशांक का सूत्र x1 + x2/2, x1 मेरा कितना है -2 प्लस x2 कितना है 0/2, फिर होता है y1 प्लस, तो y1 यानी 2 प्लस, y2 कितना होता है 5 है 2, बोलिए कितना हो जाएगा, 2 में 2 से भागा देंगे -1, ये 7/2, ये P1 का निकल गया। अब बोलिए P3 किसके बीच में दिख रहा है, P2 और B के बीच में दिख रहा है, और चूंकि P3 P2 B का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है, हाँ है। चलिए तब यहाँ P2 का लिख लेंगे, P2 कितना आया है, P2 का है मेरा
P2 05 है और B का निर्देशांक कितना है, D का 28 है। अब यहाँ से छाट लेंगे तो X1 बराबर 0, Y1 बराबर 5, X2 बराबर आपका 2, Y2 बराबर आपका 8। तो अब हम लिख सकते हैं बिंदु P3, बिंदु P3 का निर्देशांक, बिंदु P3 का निर्देशांक क्या होता है बोलिए तो, X1 प्लस X2 बटा 2, Y1 प्लस Y2 बटा 2, इसको काट देंगे 1, 13 बटा 2 इसका निकल गया बिंदु P3 का। अतः AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं का निर्देशांक कौन कौन, पहले P1 बांट दिया है तो P1 किधर निकले हैं, यहाँ पर P1 निकले हैं ना, P1 कितना आया है निर्देशांक -1 7/2, ठीक। दूसरा P2 का आया है 0.5, और P3 आया है 1/13 है, 1/13 7, ठीक है। चलिए आगे अब चलते हैं 10 नंबर कितना 10, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। दस नंबर बनाने का प्रयास कीजिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, समचतुर्भुज एक है, समचतुर्भुज दिया है जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया है, शीर्ष दिया है 10 नंबर है, शीर्ष दिया है आपका 3045 -1/4 लास्ट दिया है -2 -1 दिया है। तो चलिए मान लीजिए, माना कि ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, सी मान लीजिए -1/4, डी -2 -1 समचतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष हैं, ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए, डी दे दिए। ए का मेरा कितना है 3-0 दे दिए, बी का है 4-5 दे दिए, ठीक है, सी का आपका दे दिए -1/4 दे दिए, डी का आपका दे दिए -2 -1। चलिए क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले समझिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो पहले विकर्ण खींच लीजिए, मान लीजिए ये विकर्ण होंगे AC और दूसरा विकर्ण BD, ठीक है। तो AC के लिए निकालेंगे, AC के लिए इसके लिए चल रहे हैं, AC के लिए, AC में आपका A आ जाएगा, A कितना है 3-0, C कितना है, C आपका -1 है 4 है, ठीक है। तब हम निकालेंगे दूरी सूत्र से AC बराबर कितना, AC बराबर दूरी सूत्र से क्या होता है X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। ये -1 -3 -1 -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4×16 प्लस 4×16 ये 32 हो जाएगा, 32 16 2 32
तो चार रूट दो एसी बराबर हो जाएगा चार रूट दो। ठीक है, अब हम बीडी के लिए चलेंगे। बीडी के लिए विकर्ण है, बीडी के लिए चलेंगे तो बी मेरा कितना है चार पाँच, डी मेरा कितना है माइनस टू माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे छाट भी लेंगे या बीडी दूरी सूत्र से बीडी बराबर क्या होता है एक्स टू, एक्स टू कौन है एक्स टू माइनस टू माइनस एक्स वन माइनस चार का होल स्क्वायर प्लस वाई टू, वाई टू कौन होगा ये ना वाई टू मतलब कि माइनस वन और प्लस माइनस वन हो गया माइनस वाई वन फाइव का स्क्वायर तो माइनस छ, माइनस छ हो जाएगा प्लस माइनस छ का स्क्वायर छः का छत्तीस हो गया, ये भी छः का छत्तीस बहत्तर, ये हो जाएगा छ रूट दो। अब बत्तीस का कैसे चार रूट दो ला दिए हैं ये नहीं पूछना है, बत्तीस को तोड़ते हैं वर्गमूल है दो से सोलह दो से आठ दो से चार दो से दो फिर दो से कट जाएगा एक, तो एक दो निकल गया एक दो निकल गया, तो इसके लिए दो दो तो नहीं चार, एक दो का जोड़ा नहीं लगा अंदर हो गया, इसी तरह बहत्तर का कीजिएगा तो छः रूट दो आएगा। ठीक है, छः रूट दो आ जाएगा तो सम चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज ए बी सी डी का ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होता है एक बटे टू ए सी, ए सी इंटू बी डी, एक बटे टू हो गया, ए सी मेरा कितना आया है चार रूट दो, बी डी कितना आया है छः रूट दो, तो ये तो कट जाएगा दो दूनी चार तो छः दूनी बारह, रूट दो रूट में तुम लोग से गुना करेंगे तो बारह दूनी चौबीस, चौबीस इकाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौबीस वर्ग इकाई क्षेत्रफल है वर्ग इकाई आंसर, ये आपका दस नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया।